हेलो फ्रेंड्स, ट्यूलिप्स टिप्स फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम गुलदाउदी यानी क्राइसेंथीमम के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, गुलदाउदी की बहुत से कलर की वैरायटी पाई जाती हैं और दिसंबर जनवरी की कड़ाके की ठंड में, ये सर्द सर्द सुबह में ये इतने सुंदर प्यारे प्यारे खिले हुए फूल ऐसे लगते हैं जैसे कि मानो कि ये सर्दी का स्वागत कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन फूलों के शहद देखिए कितने ज़बरदस्त, कितने सुंदर लगते हैं ये फूल। इतनी ठंड में ये आराम से बिल्कुल सर्दी का स्वागत करते हुए इसे प्रतीत हो रहे हैं कि चाहे कितनी ही कड़ाके की ठंड पड़े, हमें कोई नहीं मुरझा सकता। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से छोटे से प्लांट पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा फ्लावर प्राप्त करने के लिए हमें इसकी तैयारी सर्दियों के आने से 2-3 पहले ही कर देनी चाहिए। इसकी ब्रांचेज की पिंचिंग करते रहना चाहिए ताकि ये घना बन सके। जितना ज़्यादा घना प्लांट होगा उतने ही नंबर ऑफ फ्लावरिंग बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट थे इसलिए मैं इनकी ज़्यादा पिंचिंग नहीं कर पाई, मैं फिर भी आपको दिखाती हूँ। मैंने नीचे इसके पत्थर लगा रखा है, देखिए ये पत्थर लगा रखा था इसलिए क्योंकि पूरा ये ब्रांच जो है फूलों की, ये देखिए छोटा सा प्लांट है बिल्कुल, और नीचे देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी निकल रखे हैं इसमें। इतने छोटे से प्लांट पे नंबर ऑफ फ्लावरिंग देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें इस तरीके से कितने बड़े बड़े फ्लावर्स लग रखे हैं। पत्तियां इसमें नाम मात्र की है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही पत्तियां, और ओनली फ्लावर्स है बिल्कुल छोटे से प्लांट पे। आप पूरा इसको देखिए झुका हुआ लग रहा है इस तरीके से। ये दूसरे है मेरा पोट, इसमें भी कुछ ये है फूल जो है सूख से गए हैं, काफ़ी पुराने हो गए हैं, और जैसे जैसे फूल टूटते जाते हैं सूखते जाते हैं तो उनकी मैं थोड़ी सी पिंचिंग कर देती हूँ, उनको कट कर देती हूँ। यहाँ से देखिए आप, जैसे ये कट कर रखा है, ये कट कर रखा है यहाँ से ताकि और इसमें ब्रांचेस निकल सके। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत छोटा प्लांट था इसलिए इसकी ज़्यादा पिंचिंग नहीं कर पाई, फिर भी इसमें जितनी साइज है इस प्लांट की उसके हिसाब से इसमें नंबर ऑफ फ्लावरिंग देखिए। ये अभी सूख गए हैं, इनकी मैं अभी कट करूँगी ये सूखे प्लांट्स को। और ये देखिए कितने तरोताजा, कितने ज़बरदस्त फ्लावर हैं, बिल्कुल न्यू फ्लावर्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस प्लांट की सेहत को अच्छा बनाया जाए। तो सबसे पहले सोइल के बारे में बताऊंगी। सोइल देखिए फ्रेंड्स, इसकी बिल्कुल सैंडी सी सोइल है, ये देखिए। तो इसमें मैंने मिलाया है एक भाग गार्डन सोइल, एक भाग कंपोस्ट, और सैंड जो होती है बालू मिट्टी वो मिलाई है। इसमें भी देखिए आप, ये देखिए इस तरीके की आपको सॉइल रखनी है इसकी, ताकि इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है पावरफुल रहेगा। नीचे से होल में से अगर पानी निकलता रहेगा तो अपने प्लांट की सेहत जो है जबरदस्त बनी रहेगी। फ्रेंड्स, जैविक खाद के रूप में हमें अगस्त सितंबर में ही इसको हर 15-20 दिन से नीम खली लिक्विड जरूर देना चाहिए, ताकि क्या है कि पौधे की ग्रोथ अच्छी और बहुत सारी ब्रांचेज हमें प्राप्त हो सके। अगर 1-2 महीने पहले हम इसकी तैयारी करेंगे तो छोटी छोटी ब्रांचेज, जैसे ये तो बहुत छोटा प्लांट है, यहाँ से कट करने स्टार्ट कर देंगे तो कुछ बड़ा प्लांट होगा तो उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेज ज़्यादा होगी, तो जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेज होगी उतने ही नंबर ऑफ फ्लावरिंग अपने को प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल छोटा प्लांट है फिर भी कम से कम इस पर 30-40 फ्लावर लगे हुए हैं। तो अगर अपने पास बड़ा हो, आपके पास बड़ा प्लांट हो तो उसकी आप पिंचिंग करते रहिए। घना प्लांट हो जाएगा खूब सारा तो उस पर काफ़ी सारे फ्लावर आएंगे। जैविक खाद के रूप में हमें यही देनी है नीम खली, बाकी आप मार्केट से भी लाके कोई भी खाद डाल सकते हो, लेकिन मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने घर पे बना हुआ कोई भी खाद डालें, कंपोस्ट डालें, ये गोबर की खाद डालें और कभी कभी नीम खली डालें, जिससे क्या है कि अपने को ये सर्दियों से पहले ही ज़्यादा नीम खली देनी होती है ताकि अपने को नंबर ऑफ ब्रांचेज। ये देखो पत्तियाँ इसकी बिल्कुल छोटी छोटी मुरझा सी गई, इसमें भी मैंने पानी नहीं दिया है, 2-3 दिन हो गए कहीं चली गई थी, तो आज इनमें पानी देंगे। तो मैंने सोचा पहले इसका हल्का सा वीडियो बनाया जाए। बहुत सुंदर फूल है, इनको देख के मुझसे रहा नहीं गया फ्रेंड्स वीडियो बनाने के लिए। तो दिसंबर जनवरी इससे में बहुत प्यारे प्यारे से खूबसूरत से फूल हमें प्राप्त हो जाएंगे अगर हम पहले इनकी केयर करेंगे। तो अब केयर टिप्स ये है कि जब भी फ्लावर पुराना हो जाए उसको ऊपर से अपने को कट करना है ताकि अन्य ब्रांचेज और फ्लावर बर्ड्स को न्यूट्रिशन अधिक मिले। जैसे कि इस तरीके से ये फ्लावर है, ये पुराना फ्लावर, ये देखिए यहाँ पे इसको यूँ कट कर देंगे। एक ये है, ये देखिए इसको भी कट कर देंगे ताकि नए जो फ्लावर्स है, ये भी पुराना सा लग रहा है, इसको भी कट कर देते हैं।
पुराने पुराने जितने फ्लावर्स हैं उनको कट कर दे करते जाते हैं, ताकि क्या है कि अपने को नए फ्लावर्स अच्छे अच्छे प्राप्त होंगे और अलग अलग इनकी ब्रांचेज निकलेगी। और भी कोई पुराना फ्लावर इसमें, ये बाकी नए नए अच्छे अच्छे फ्लावर्स, ये भी कुछ मुरझा सा गया है, तो ये अब ज़्यादा न्यूट्रिएंट खींचेगा, इससे अच्छा है कि अपने इसको कट करें ताकि अच्छे अच्छे ब्रांचेज, अब ये जो ब्रांचेज हैं इन पे फिर से फ्लावरिंग बर्ड्स आ जाएगी और अपने को काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावर्स प्राप्त होंगे। इसी प्रकार इसमें देखिए, ये फ्रेंड्स ये फ्लावर देखिए कुछ पिंकिश सा होने लग जाए, हल्का सा जलने लग जाए, तो यूँ समझ लीजिए कि पुराना फ्लावर हो गया है। तो इसको भी हम कट कर देंगे इस तरीके से, एक और है यहाँ पे, ये देखिए एक हाथ से कैमरे का थोड़ा बैलेंस सही नहीं हो पा रहा है, ये देखिए। तो इस प्रकार से अपने को तरोताजा और सुंदर अपना जो गमला है वो सुंदर दिखने लग जाता है जब आप इनकी कटिंग कर देते हैं। और यहाँ देखिए, मैंने पहले इसमें कटिंग किया तो ये हल्का सा देखिए इसमें बर्ड आ रहा है। इस प्रकार से नई ब्रांचेज, बहुत ज़्यादा ठंड है इसलिए इसकी देखिए ये जो पत्तियां हैं इनकी सेहत कुछ गिरी हुई लग रही है फ्रेंड्स, लेकिन कड़ाके की ठंड है, -4 -5 डिग्री टेम्परेचर अभी चल रहा है, उसमें भी ये फ्लावर्स देखिए कितने खुशनुमा नजर आ रहे हैं। अगर इंसान को ऐसी परिस्थिति में रखे तो इंसान कितना डल हो जाता है, लेकिन इन फूलों को देख के हमें सीख लेनी चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो हमें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना है। ये देखिए एक मेरे पास छोटा सा बिल्कुल बेबी प्लांट था, अभी 2-3 दिन पहले मैंने निकाला और इसके ये देखिए फ्लावर सूख गए हैं, पुराने हो गए हैं, तो इनको मैं कट कर देती हूँ। इतने छोटे से बेबी प्लांट पे भी देखिए नंबर ऑफ फ्लावर्स 1, 2, 3, ये ठीक है इसका, ये रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने इसको कट किया है उसी प्रकार आपको भी ऐसे कट मारना है, ताकि अपने को यहाँ से ब्रांचेज और निकलेगी और अपना प्लांट जो है बड़ा रह जाएगा। ये एक मैंने इसमें छोड़ दिया है, तो इस प्रकार से हम इसकी पिंचिंग कर सकते हैं आराम से, ताकि जो अपने नए नए जो फ्लावर्स उगेंगे, नई जो बर्ड्स हैं उनको न्यूट्रिशन मिल सके। सूखी हुई पत्तियों को भी फ्रेंड्स कट कर देना चाहिए, नीचे की साइड में अगर कोई सूखी हुई पत्तियां हों तो उनको भी हमें कट करते रहना चाहिए। इसके एक प्लांट में बहुत सारे पॉट तैयार हो सकते हैं फ्रेंड्स, कटिंग से लगने वाला प्लांट है ये, रूट्स के पास से ब्रांचेज निकलती है, उनको हम अलग करके अलग अलग पॉट्स में लगा के बहुत सारे पॉट तैयार कर सकते हैं। देखिए नीचे ये देखिए बेबी प्लांट लगे हैं काफी सारे, ये देखिए छोटा सा ये पास से, तो इनको हम अलग अलग करके काफी सारे पॉट तैयार कर सकते हैं। अभी ये थोड़े से बड़े नहीं है, फिर मैं इनके 3-4 पॉट तैयार करूंगी। देखिए इतना छोटा सा बेबी प्लांट है, इस प्रकार से हम इसके ब्रांचेज, ये देखिए ये बर्ड निकला है नीचे से, बिल्कुल छोटा सा प्लांट। मैंने एक मेरा बड़ा गमला था वो मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया, उनमें से मैंने बेबी प्लांट निकाले थे ये छोटे छोटे, और ये देखिए इनकी सेहत देखिए फ्रेंड, और ये नीचे इनके छोटे छोटे ये भी बन गए हैं जिससे मैं और गमले तैयार कर सकती हूँ। अब वाटरिंग की फ्रेंड्स बात करेंगे तो पर डे इनको वाटरिंग देनी चाहिए, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन दे सकते हो, जब ऊपर से ये मिट्टी हल्की सी ड्राई होने लग जाए, जिस तरीके से ये देखिए इस तरीके से ऊपर नीचे से गीली है ऊपर से हल्की सी सूखी है, तो ये जब ऊपर से ड्राई होने लग जाए तो इस प्रकार से अपने को इसमें वाटरिंग करनी है। ज़्यादा पानी से क्या है फ्रेंड्स, रूट गलने लग जाती है। जब विंटर्स का सीजन चला जाए तो गर्मियों में प्लांट्स को ज़्यादा धूप से अपने को बचाना चाहिए, ताकि बारिश में हम इसकी कटिंग लगा करके इस फिर से इसके पॉट्स तैयार कर सकें। फ्रेंड्स इसकी एक बात ध्यान रखनी है आपको कि इसकी जो मिट्टी है ये सेंडी सी होनी चाहिए, जो रेतीली मिट्टी होती है उस टाइप की होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए, कि जितना हम पानी देंगे जितनी इसको ज़रूरत है उतना पानी लिया, बाकी सारा नीचे से ड्रेनेज सिस्टम से निकल जाए। तो जितनी अच्छी इसकी सोइल होगी उतनी ही प्लांट की सेहत अच्छी रहेगी। इस प्लांट की फ्रेंड्स मेन टिप यही है कि इसको घना बनाओ कैसे भी करके, तो इसको घना बनाने के लिए विंटर्स में तो इसका फ्लावरिंग का सीजन होता है, जब फ्लावरिंग का सीजन नहीं हो तब इस पर अब हम 1-2 महीने अगर अच्छी सी मेहनत कर ले, थोड़ा सा इनको खाद पानी टाइम पे दे दे, तो फ्रेंड ये अपने को बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये छोटा प्लांट है, नेक्स्ट वीडियो में आपको जब भी दिखाऊंगी तो बड़े प्लांट की वीडियो दिखाऊंगी, उसमें जो मेरा पुराना प्लांट था वो मैंने गिफ्ट कर दिया जैसे मैंने बताया, तो इन्हीं को मैं इनकी कटिंग लगा के नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और उसको घना करके अपने बड़ा सा पॉट तैयार करेंगे। देखिए छोटे छोटे हैं प्लांट लेकिन फिर भी कितने नंबर ऑफ फ्लावरिंग है फ्रेंड्स, ये तो व्हाइट है, इसमें क्या है रेड पिंक बहुत सारी वेरायटी आती है, बहुत सुंदर सुंदर, क्योंकि मुझे व्हाइट बहुत पसंद है ये, तो मैंने अभी ये व्हाइट लगाया है, नेक्स्ट में अपन दूसरा लगाएंगे। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा
अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें आप। अच्छा लगे तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।